नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सेक्टर्स के बारे में जिसमें आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए। तो मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त करने के लिए आपको किन सेक्टर में इन्वेस्ट करनी चाहिए, किन सेक्टर के स्टॉक्स पर आपको ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए, मतलब आप पोर्टफोलियो तो हर सेक्टर का बताएंगे, हर सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट जो है डाइवर्सिफाई होना चाहिए, क्योंकि एक साइकिल होता है, कोई सेक्टर काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करता है और कोई सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म होता है। जैसे पिछले चार साल से फार्मा सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म था, उसके कुछ स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, कुछ स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी आप देखते हैं कि फार्मा सेक्टर के स्टॉक कुछ जो स्टॉक से डेली के 5% सर्किट के साथ बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से वैसे सेक्टर हैं जिस सेक्टर के स्टॉक्स पे आपको ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए आप पोर्टफोलियो में, जो आपको आने वाले समय में काफ़ी बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो इस वीडियो में हम कुल 5 सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिस सेक्टर पे आपको ध्यान देना चाहिए, जो कि आने वाले समय में आपको एक बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये जो कंपनियां हैं, जो मतलब जो आईटी कंपनियां हैं, जैसे आपने देखा TCS, विप्रो, SCL टेक, इसमें जो नई कंपनियां इमर्ज हो रही, मतलब जो नई कंपनियां उभर कर सामने आ रही है, उस कंपनियों पर आपको ध्यान देनी चाहिए जो आपको आने वाले समय में एक बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो इस सेक्टर पर आपको खासा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी आप TCS को क्या देखें कि वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, काफ़ी सारे एम्प्लॉय को होम से वर्क करने का फैसिलिटी दिया, ऐसे ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे एम्प्लॉय को, तो निश्चित है वो इंटरेस्टेड होगा कि इसमें IT कंपनियों में काम करने के साथ और ज़्यादा वो बेहतर अपना वर्क दे सकेंगे इस कंपनियों को। ऐसे में IT कंपनी और ज़्यादा इंडियन जो IT कंपनी है बूम कर सकती है, क्योंकि पहले से इंडिया की जो IT कंपनियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा पकड़ है इसके ग्लोबल मार्केट पर, और ज़्यादा उभर सकती है ये कंपनियाँ। तो आपको इन सब कंपनियों पर ध्यान देनी चाहिए जो IT कंपनियाँ हैं। उसके बाद आपको दूसरी जो कंपनी है, दूसरा जो सेक्टर है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा जो सेक्टर है जिस पर आपको खासा ध्यान देना चाहिए, वो आपको है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। यहाँ पर आप देख लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, जैसे मैक्स फाइनेंस, ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। नीचे चलते हैं, आपको बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मिलेगी जो कि काफ़ी बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। एक पैनी स्टॉक से वो एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में आलोक इंडस्ट्री भी आता है जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। नीचे चलते हैं, नीचे आपको ज़्यादा बेहतरीन सब कंपनियाँ देखने मिलेगी। आप यहाँ पर देख लीजिए डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये भी स्टॉक देख लीजिए 8000 का स्टॉक से, मात्र मार्केट कैप कितना है 9000 करोड़ का, और ये इसका देख लीजिए शेयर का प्राइस ही हो चुका है 8000। इसी तरह से काफ़ी सारे जो आप SRF जानते हैं वो भी है। नीचे चलते हैं, देखिए आपको काफ़ी सारे बेहतरीन कंपनियां इस सेक्टर से मिलेंगे जो कि बेहतरीन रिटर्न दिया है। एक आप 6 रुपये का स्टॉक्स है ट्रेडेंट, ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, टेक्सटाइल है, स्पिनिंग है, कॉटन ब्लेंडेड है, तो यार्न है, ये सारी मैन्युफैक्चर करती है। VIP इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, VIP इंडस्ट्री का बिजनेस अभी काफ़ी प्रभावित हुआ है इस लॉकडाउन के कारण, तो ये भी आने वाले समय में परफॉर्म कर सकता है। फिर आपको नीचे लेके चलते हैं, देखिए अब आएगा यहाँ पर बहुत सारी बेहतरीन कंपनियाँ। देखिए SRF, ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड इसका मतलब बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड मतलब प्रोडक्ट बनाती है जो कि काफ़ी सारे डिफरेंट सेक्टर से है। ये भी मात्र 24000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये कंपनियाँ जो है जो बजाज फाइनेंस देखते हैं उस सबसे भी बेहतरीन रिटर्न दिया है ये सब कंपनियां। उसके बाद आता है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, ये भी प्लास्टिक पाइप बनाने का काम करती है, ये भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। ये सारी बेहतरीन कंपनियां हैं, मात्र देखिए मार्केट कैप कितना है 17000। तो जो स्मॉल कैप है, मिड कैप, जो क्वालिटी वाले स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है, उस पर आपको ध्यान देनी चाहिए, वो आपको बहुत अच्छा आने वाले समय में रिटर्न दे सकता है। उसके बाद आगे नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए लक्स इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन 2300 रुपये का स्टॉक है, मार्केट कैप मात्र 3300 करोड़ का है, ये भी काफ़ी बेहतरीन मतलब रिटर्न दिया है। उस यहाँ पर देख लीजिए सुंदरम इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन। उसके बाद और इसमें है पेज इंडस्ट्री, काफ़ी सारे बेहतरीन सब स्टॉक्स हैं जो इसमें रिटर्न दिया है। देखिए पेज इंडस्ट्री मात्र 22000 करोड़ का मार्केट कैप है,
रिलायंस का मार्केट कैप कितना है 14 लाख करोड़ का, ये मात्र 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये इन्वेस्टर को इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि इन्वेस्टर को काफ़ी मालामाल किए हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सारे कई सारे मल्टीबैगर आने वाले समय में आपको मिल सकते हैं, तो आपको इसमें से खोजना है कौन सा स्टॉक आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरा सेक्टर है वो है हमारा स्पेशलिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल पिछले 10 सालों से काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें से आरती इंडस्ट्री, अतुल, बिनेती ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन, एल्काइल एमिन्स, गुजरात फ्लोरिन, यहाँ पर रोजरी बायोटेक, बजाज एमिन्स, इसमें जो सारे स्टॉक देख रहे हैं ऊपर से, सारे के सारे स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन। यहाँ पर देख लीजिए ये जो ऊपर के 5 स्टॉक्स हैं ये तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। तो इसलिए आपको इस सेक्टर से चुनना है कि अगला कौन सा वैसा स्टॉक है जो अगला मल्टीबैगर बनेगा, मतलब आगे चल करके आपको एक बेहतरीन रिटर्न इसमें से कौन सा स्टॉक दे सकता है, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी परफॉर्म कर रहे हैं जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं। साथ साथ दीपक नाइट्रेट हो गया, SRF हो गया, PI इंडस्ट्री हो गया, वो सब थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ हैं। तो ये सारे जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं और जो डाइवर्सिफाइड केमिकल वाले स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो चौथा सेक्टर है जिस जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है वो है फार्मा सेक्टर। काफ़ी दिनों से ये सेक्टर अंडर परफॉर्म था, अभी इसमें गजब का परफॉर्मेंस देखने मिला है। तो जो फार्मा सेक्टर है उसके कुछ अच्छे स्टॉक्स के साथ आप जा सकते हैं, मतलब उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सन फार्मा, ये प्रॉफिट के अनुसार है, आप मार्केट कैप के अनुसार चूज करते हैं। तो देख सकते हैं सन फार्मा सबसे ऊपर है, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, अरबिंदो फार्मा, कैडिला हेल्थ। कैडिला हेल्थ में हमने भी आपको कई बार बताया आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं। एल्केम लैब, एलम्बिक फार्मा, टोरेंटो फार्मा, लुपिन, इप्का लैब, एवेटो, उसी तरह से आरती ड्रग्स है, IOL केमिकल्स है। तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक है जिसके साथ आप जा सकते हैं, ये सारे स्टॉक्स आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। उसके बाद जो अगला हमारा सेक्टर है, जो पाँचवा सेक्टर है जिस जो कि आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, वो है पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल सेक्टर। ये भी हमारा जो एवर ग्रीन सेक्टर है जिसका वो मतलब बिजनेस जो है कभी प्रभावित नहीं होता है, तो आप इस सेक्टर के साथ जा सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में कई तरह के स्टॉक्स होते हैं, जैसे और सारे तरह के जो स्टॉक्स होते हैं जैसे शुगर मिल्स वाले हो गए, और भी कई तरह के हैं जो आने वाले समय में एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन एग्रोकेमिकल्स और पेस्टिसाइड ये तो स्टॉक निश्चित है आपको एक बेहतरीन रिटर्न देंगे। जैसे PI इंडस्ट्री, PI इंडस्ट्री के सामने जो सारे स्पेशलिटी केमिकल्स के स्टॉक्स हैं वो भी फैल हैं दोस्तों। ये 4% तक का रिटर्न दिया है, अगर आप इसको लो में बाय किए होते 2001 में तो अभी तक में आपको 4% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा होता। मार्केट कैप कितना है मात्र 15,000 करोड़। बेयर कॉर्प साइंस, ये भी काफ़ी बेहतरीन। उसी तरह से आप यहाँ पर देखते जाइए, इस सेक्टर के जो भी बेहतरीन स्टॉक्स आपको लगते हैं उसके साथ आपको अवश्य जाना चाहिए। तो ये स्टॉक्स जो है आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए भारत रसायन, ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन कर रहा है, लगातार हाई पे हाई बनाते जा रहा है। ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिजनेस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपको जैसे तैसे स्टॉक के साथ नहीं जाना है, इसमें जो भी स्टॉक्स आपको अच्छा लगता है उसी के साथ जाना चाहिए। जैसे तैसे स्टॉक के साथ जाने से बचें, जो स्टॉक अच्छा लगे, जो स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो उसी में इन्वेस्ट करें। तो ये बेहतरीन सारे स्टॉक्स थे, और साथ साथ आने वाले समय में जो आपको बोला जाएगा कि मेटल सेक्टर भी परफॉर्म कर सकता है, तो इस तरह के और भी जैसे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, तो यहाँ से आप खोज भी सकते हैं। इसी वेबसाइट पर जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, यहाँ से आप खोज सकते हैं डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए केबल सेक्टर, पावर सेक्टर के स्टॉक है वो खोज सकते हैं, क्योंकि ये भी स्टॉक्स आने वाले समय में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर, ये भी हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे स्कॉट ट्रैक्टर है, तो ये सारे स्टॉक्स आने वाले समय में आपको अंडर परफॉर्म नहीं बल्कि परफॉर्म करते हुए मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।